जय हिंद दोस्तों, टोटल ट्रेन इन्फो के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं काफ़ी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जानकारी जितनी महत्वपूर्ण होने वाली है मालवा क्षेत्र के लिए, उतनी ही महत्वपूर्ण होने वाली है राजस्थान हरियाणा के यात्रियों के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेन के बारे में जो इंदौर से हिसार के बीच चलने वाली है। इंदौर से नई दिल्ली के बीच सप्ताह में 3 दिन चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन को अब डेली चलना लगभग तय हो गया है। रेलवे बोर्ड से इस ट्रेन को रोज चलाने के लिए सभी कागजी कार्यवाही पूरी कर ली गई है। जल्दी ही संबंध में रेलवे बोर्ड से औपचारिक आदेश आने की उम्मीद है। हालांकि रेलवे को ट्रेन रोज चलाने के लिए एक अतिरिक्त रैक की जरूरत पड़ी होगी, जिसकी व्यवस्था भी रेलवे जल्दी करने वाला है। इंदौर नई दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन रतलाम होकर चलती है और स्टार्टिंग से ही इस ट्रेन में काफ़ी संख्या में यात्री मिलते हैं। वैसे भी वर्तमान में इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो डेली चलती है। इसी वजह से इंटरसिटी में साल भर यात्रियों का ज़बरदस्त दबाव रहता है और इसमें यदि सफ़र करने के लिए बहुत पहले रिजर्वेशन कराना होता है। सुपरफास्ट ट्रेन भी रोज़ चलने से यात्रियों का दबाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रोज़ चलाने के साथ ट्रेन का विस्तार दोनों तरफ से कर दिया गया है। एक तरफ से इसका विस्तार हिसार तक किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ से इसका विस्तार डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू तक किया जाएगा। इससे मालवा का हरियाणा से सीधा नियमित ट्रेन कनेक्शन भी हो जाएगा। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रस्तावित रूट प्रस्ताव में 20957-20958 इंदौर नई दिल्ली इंदौर ट्राई वीकली एक्सप्रेस अब प्रतिदिन चलकर नई दिल्ली ना जाते हुए दिल्ली के सफदरजंग और सकुरबस्ती स्टेशन से होकर रोहतक हांसी होते हुए हिसार जाएगी। इंदौर हिसार के बीच यह गाड़ी प्रतिदिन हो जाएगी, मगर 20957-20958 एक्सप्रेस 7 दिन में से 3 दिन अपने इसी मार्ग से चलती रहेगी जो डॉक्टर अम्बेडकर नगर इंदौर रतलाम नागदा मथुरा सकुरबस्ती रोहतक हांसी हिसार से होकर चलेगी। वही नई गाड़ी नई नंबर के साथ डॉक्टर अम्बेडकर नगर से वाया उज्जैन नागदा होकर हिसार तक चलेगी। मौजूदा गाड़ी 20957 इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस हिसार तक एक्सटेंशन होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर नगर मऊ से प्रत्येक बुधवार शुक्रवार रविवार को रवाना होगी और वापसी में ट्रेन नंबर 20958 हिसार से प्रत्येक सोमवार गुरुवार और शनिवार को अंबेडकर नगर मऊ की ओर जाएगी। बात करें नई प्रस्तावित ट्रेन के बारे में जो डॉक्टर अंबेडकर नगर मऊ से हिसार के लिए वाया उज्जैन सप्ताह में 4 दिन प्रत्येक सोमवार मंगलवार गुरुवार और शनिवार को चलाई जाएगी। वापसी में हिसार से प्रत्येक मंगलवार बुधवार शुक्रवार और रविवार को वाया उज्जैन रवाना होगी। कुल मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर नगर मऊ और इंदौर से हिसार के लिए डेली ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन उज्जैन होकर 3-4 दिन चलेगी, वहीं 3 दिन रतलाम होकर चलेगी। कोच कंपोजिशन की बात करें तो इसमें LHB रैक का यूज किया जाएगा, जिसमें AC फर्स्ट का 1 कोच, सेकंड AC के 2 कोच होंगे, वहीं 3rd AC के 6 कोच और 2 कोच 3rd AC इकोनॉमी के भी होंगे। इसके अलावा 6 स्लीपर कोच, जनरल कोच के 3, जनरेटर वैन 1 होगा, SLR के लिए 1 कोच होगा, कुल मिला के 22 कोच का रैक इसमें यूज होगा। यदि इसके स्टॉपेज की बात करें तो 20957-58 का स्टॉपेज इंदौर रतलाम नागदा सामगढ़ रामगंज मंडी कोटा सवाई माधोपुर भरतपुर मथुरा दिल्ली सफदरजंग सकुरबस्ती रोहतक महम और हांसी होंगे। वहीं नई ट्रेन के स्टॉपेज इंदौर के बाद उज्जैन नागदा सामगढ़ रामगंज मंडी कोटा सवाई माधोपुर भरतपुर मथुरा दिल्ली सफदरजंग सकुरबस्ती रोहतक महम और हांसी होंगे। यदि इस ट्रेन के विस्तार को अनुमति मिल जाती है तो ट्रेन नंबर 20957-58 ट्राई वीकली ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पर नहीं जाएगी।
यह दिल्ली के सकुर बस्ती स्टेशन और सफदरजंग स्टेशन से होकर निकलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मिलती है तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।